आज का वीडियो राखी स्पेशल पर बेस्ड है और उसके लिए मैंने ये प्लेट ली है। जैसे कि आप प्लेट देख रहे हैं, ये प्लास्टिक की प्लेट है और क्राफ्ट की शॉप पर मिल जाती है और आपको जनरल स्टोर पे भी मिल जाएगी। ये वैसे तो नवरातों में कन्या खिलाने के लिए मिलती है और इसका दाम इतना सस्ता है कि आप भी चौंक जाएंगे। ये केवल 5 रुपये की मिलती है शॉप पर और कई कलर में भी मिलती है, तो मुझे येलो कलर की मिल गई राखी के हिसाब से, क्योंकि इसमें बराबर से कटोरियाँ बनी हैं जिसमें हम हल्दी कुमकुम वगैरह रख सकते हैं, मिठाई का पीस वगैरह भी रख सकते हैं। लेकिन इस बहुत सिंपल सी है तो इसको हम आज थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, जैसे कि हर त्यौहार पे हम अपनी थालियों को डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है, सबसे पहले एक ये वाली लेस ली है, हल्के हल्के पोम पोम हैं इसमें बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो इसको पहले हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको लगाने के लिए आप फैब्रिक ग्लू या ग्लू गन की मदद ले सकते हैं। पोम पोम को बाहर की तरफ रखते हुए इसको हम थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे। इसको इस तरह से लगाने के बाद एक लेस हम और लेंगे और ये जो इसमें बॉर्डर टाइप का है पोम पोम के किनारे, इस पर इसको लगा देंगे। इसको हमने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब ये हमने फ्लावर लिए हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, इनको यहाँ पर हम लगा देंगे। और ये हमारी सोबर सिंपल थाली इस तरह से कंप्लीट हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सजा देने से फिर राखियाँ नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें लाल कुमकुम होगा, थोड़ी हल्दी होगी, अक्षत होगा, दिया होगा, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सजा देने से दिखाई नहीं देती हैं। तो सोबर सिंपल थाली इस तरह से हमेशा तैयार करनी चाहिए। और अब इसके बाद हम राखी बनाएंगे। ये तो हो गई थाली, अब बनाएंगे राखी। राखी के लिए हमने ये 3 वूल लिए हैं। वूल लेने के बाद तीनों को एक साथ पकड़ेंगे और करीब 3 मीटर हम इसको निकाल लेंगे। 1, 2 और ये 3, 3 मीटर हमने ये ले लिया। यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे ऐसे। नॉट देने के बाद जो दूसरा सिरा है यहाँ से बंद सिरे खोल देंगे और तीनों उनको अलग अलग कर देंगे। ये टोटल हमारी 3 बार लपेटने पर 1-1 मीटर की तैयार हो गई है। तीनों कलर को अलग करते हुए इसकी हम चोटी बनाएंगे। बहुत टाइट हाथ से नहीं, बहुत ढीले हाथ से नहीं, इस तरह से इसकी हम चोटी बनाएंगे।
सिंपल चोटी बनानी है, चोटी बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। और दूसरी तरफ नॉट दे करके दोनों सिरों को हम बराबर से कट कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक पहले से बना के रखी थी और एक और बना दी, दो राखियाँ हो गई। तो इसमें 15 अगस्त का भी लुक आ गया, क्योंकि इस बार राखी वाले दिन 15 अगस्त है और 15 अगस्त वाले ही दिन राखी भी है। तो इस तरह से ये हमने राखी और प्लेट दोनों तैयार की। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ सुपर सिंपल यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।